हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। सुमन की रसोई टिप्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे फूल गोभी की सब्जी। ये फूल गोभी की सब्जी ना बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो सब्जी बनाने के लिए हैं हमने ले ली है फूल गोभी। अब फूल गोभी को ना इस तरह से हमें तोड़ लेना है और इसे साफ कर लेंगे, क्योंकि कभी कभार गोभी में ना एक आध कीड़ा निकल आता है, लेकिन गोभी बिल्कुल साफ है तब भी हम देखेंगे इसे। और इस तरह से तोड़ लेना है साफ करके। तो देखिए गोभी तो हमने तोड़ ली है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। और इधर हम ले लेंगे आलू। तो ये चार आलू हमने ले लिए हैं छील के। अब इन्हें भी हमें कट कर लेना है, इनके छोटे छोटे हम टुकड़े करेंगे। तो आलू भी हमारे कट हो चुके हैं, तो दोनों चीज़ों को हमें धो लेना है साफ करके। और इधर हम ले लेंगे प्याज और लहसुन। और इधर कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में डालना है हमें तेल। चार चम्मच तेल लगा दिया है, तेल गर्म होगा तब तक हम मसाला इसका पीस लेंगे। तो यहाँ लहसुन की कली और प्याज को डाल के प्यूरी बना लेनी है। तो मसाला पीस गया है हमारा, इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो इसमें तड़का के लिए हम डालेंगे आधा चम्मच भर के जीरा, आधा चम्मच डालेंगे मेथी दाना। और दोनों चीज़ों को ना हम भुनने देंगे। उसके बाद में जो मसाला पीसा था ना वो डाल देना है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच। और इस तरह से चला के मसाले को हमें भून लेना है। जब तक इसका तेल अलग नहीं होगा तब तक मसाले को हम भूनेंगे। तो मसाला हमारा भुन गया है, अब इसमें हमें गोभी डाल देनी है, आलू डाल देने हैं इसमें। और दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें मसाले में मिला देना है। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे भी अच्छे से हमें मिला देना है। उसके बाद में यहाँ हमें डालना है आधा गिलास पानी। आधा गिलास पानी ही डालेंगे, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम। और अच्छी तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद गैस को मीडियम कर देना है। मीडियम गैस पे गोभी और आलू को हमें बनने देना है। और इसे हम दबा देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो देखिए गोभी आलू हमारे बन चुके हैं। अब इन्हें थोड़ा और चला के हम देख लेंगे। उसके बाद में यहाँ हमें डालनी है कटी हुई हरी मिर्चें। चार कटी हुई हरी मिर्ची हमने इसमें डाली है, आप कम भी डाल सकते हो। अब इसे दबा देंगे थोड़ी देर के लिए। और तो लीजिए टेस्टी सी गोभी बन चुकी है। अब इसमें हमें डालना है गरम मसाला। 1 चम्मच भर के गरम मसाला हम डालेंगे। धनिया पत्ती डालना है इसमें। दोनों चीज़ों को अच्छे से इसमें मिला देना है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो लीजिए टेस्टी सी गोभी आलू की सब्जी बन के तैयार है। आप भी इस तरह से बनाइए, बहुत टेस्टी गोभी बनी थी। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, वो भी फ्री में। थैंक यू।